Hello viewers, how are you all? I am Prajol. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is square and square roots. Under this topic, in the previous video we have seen about what is square number, properties of square number and questions related to square number. Now today under this topic we will see about what is square root, how to find square root using repeated subtraction method, long division method and prime factorization method, and questions related to square roots, and also we will see about what problems related to square roots and square numbers. So let's start. अगर हम बात करते हैं एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन या इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. वैसे ही मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स या अपोजिट ऑपरेशन होता है डिविजन. तो जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायरिंग का जस्ट अपोजिट या इनवर्स ऑपरेशन होता है. तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हम जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, हमें जो है 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से. ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंबल. अगर ये सिंबल किसी भी नंबर पे होता है मतलब हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 81 का. तो सबसे पहले हम जो है 81 का सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे 1 से. तो 81 का मैंने 1 में सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया 80. अब 1 के बाद जो है हम 3 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब जितने भी और नंबर्स आ रहे स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, जब तक हमें 0 नहीं मिलता है तब तक हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो 81 में सबसे पहले मैंने 1 का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे मिला 80. अब 80 में से 3 का किया तो मुझे मिला 77. देन 77 में से 5 का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे मिला 72. तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे. लास्ट में हम अगर 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करते तो हमें मिल रहा है 0. अब ये जो है हमने 9 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया है, 9th स्टेप पे हमें 0 मिल रहा है. तो 81 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि हमने टोटल 9 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया है 1 से लेके 17 तक, और जितने भी सब्ट्रैक्शन हमने किए उसमें जो है ऑड नंबर्स का यूज किया है. और ऑड नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से की है हमने, 1 से, फिर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और हमें 0 कहाँ पर मिला 17 पे. और टोटल हमने 9 स्टेप्स सब्ट्रैक्शन किया है. तो इस तरीके से 81 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 9. तो इस तरीके से जो है हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. अगर हमें सब्ट्रैक्शन करते हुए लास्ट में 0 नहीं मिलता मतलब वो नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते. अब ये मेथड बहुत लंबी हो रही है. आप देख सकते हैं कि हमने 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 9 टाइम सब्ट्रैक्शन किया है, और अगर और भी बड़े नंबर हो तो ये मेथड बहुत लंबी हो जाएगी. तो इसलिए अब हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं, उससे हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो सबसे पहले मैंने जो है 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. प्राइम फैक्टराइजेशन मींस हम सॉल्व करने पे हमें सारे नंबर्स क्या मिलने चाहिए, प्राइम नंबर्स. तो सबसे पहले मैंने 324 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिल जाएगा 162. देन 162 को 2 से डिवाइड करने पे मुझे मिल जाएगा 81. अब 81 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आता है 2 के बाद 3. तो मैंने 3 से करा तो मुझे क्या मिल जाएगा 27. अब 27 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 9. 9 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 3, और 3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा. तो ये है हमारा 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन. अब 324 को मैंने 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख दिया. अब ये 2 की पैर बन रही है, ये 2 की पैर, ये 3 की पैर बन रही है और ये 3 की पैर बन रही है. तो मैं इसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ क्योंकि ये 2-2 की पैर बन रही है. अब इन सब में जो है पावर में 2 कॉमन है तो मैंने 3 × 3 × 3 की पावर में कॉमन 2 लिख दिया. अब अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ 324 का तो जो ये पावर में 2 रहती है ये हमारी हट जाती है. तो 324 का स्क्वायर रूट करने पे क्या मिल जाएगा हमें 2 × 3 × 3, क्योंकि ये जो 2 की पावर थी ये स्क्वायर रूट करने से कैंसिल हो गई. तो 2 × 3 × 3 करने पे हमें कितना मिलेगा 18. तो 324 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा. इस तरीके से जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया.
लेकिन इसमें जो है हमें पेयर्स पूरी नहीं मिल रही है, जैसे ये टू टू की पेयर हो गई, ये थ्री थ्री की पेयर हो गई, लेकिन ये टू हमारा सिंगल बच रहा है। तो हम जो है 48 के स्क्वायर रूट को नेचुरल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि 48 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा नहीं है। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, हमें कुछ नंबर्स दे रखे, इन नंबर्स के हमें ये बताने की स्क्वायर रूट की यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस क्या होगी। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 9,98,001। तो स्क्वायर रूट की यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस बताने के लिए सबसे पहले हम लास्ट की टू डिजिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट की टू डिजिट्स क्या आ रही है, 1। तो इसका स्क्वायर रूट की जो यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1 या 9, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है। तो इसकी स्क्वायर रूट की पॉसिबल जो है यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस क्या रहेगी, 1 या 9। अब नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 65,76,66,025। तो इसमें हम देख सकते हैं लास्ट की टू डिजिट्स जो है 25 है। तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो इस नंबर की जो है वंस डिजिट पॉसिबली क्या हो सकती है, 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। तो हमें ये नंबर्स को विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 441। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स में कि जो नंबर 1 से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे होते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 408। 408 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये 8 से हो रहा है एंड हमने प्रॉपर्टी में देखा था जो नंबर 8 से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हो सकते। तो फर्स्ट वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि 1 से एंड हो रहा था, और सेकंड वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 8 से एंड हो रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रॉपर्टीज में देखा था कि स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से नंबर से एंड होते हैं और कौन से नंबर से एंड नहीं होते। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 400। 400 का जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने 400 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 400 को 2 से डिवाइड करेंगे, 200, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 100 आ जाएगा, देन 100 को 2 से करेंगे 50, 50 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 25। अब 25 जो है 2 और 3 से दोनों से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमने 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब यहाँ पे 2 की और 5 की पेयर्स बन रही है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब सब में पावर 2 है कॉमन, तो हमने इसे बाहर लिख दिया। अब 400 पे हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे तो ये जो पावर में 2 थी ये हट जाएगी। तो 400 का जो है स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5, मतलब 20। अब नेक्स्ट नंबर है 729। ये हमने 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 3 से हो जाएगा। 3 से अगर मैं 729 को डिवाइड करती हूँ तो क्या मिलेगा, 243। देन 243 को 3 से करूंगी तो 81 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 27। अब 27 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 9, और 9 को 3 से डिवाइड करूंगी 3, और 3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 1। तो ये 729 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। 3 पेयर्स बन रही है तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 729 जो है 3 × 3 × 3 की पावर 2। अब 729 में स्क्वायर रूट का साइन हटाऊंगी तो ये पावर में 2 हट जाएगी। तो हमें 729 का स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, 3 × 3 × 3, मतलब 27। अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 8100। ये इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। यहाँ तक 2 से डिवाइड हो रहा था तो हमने 2 से कर दिया, देन यहाँ तक 3 से डिवाइड हो रहा था तो 3 से कर दिया। अब इसके आगे जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, अब नेक्स्ट 5 से डिवाइड होगा तो ये हमने 5 से डिवाइड कर लिया। अब 8100 का ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब यहाँ पे 2 की 3 की और 5 की पेयर्स बन रही है, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब सब में से पावर 2 कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दी।
अब 8100 पे स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे तो पावर हट जाएगी, तो 8100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 5 मतलब 90। अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 9604, तो सबसे पहले यहाँ तक जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा था तो वो हमने 2 से कर लिया, देन 2401 जो है 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 7, तो मैंने ये 7 से डिवाइड कर दिया, तो 9604 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 7 की बहस बन रही, तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, अब सब में से पावर कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दी, तो 9604 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 7 मतलब 98। तो इस तरीके से जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला है कुछ नंबर्स हमें दे रखे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें जो है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई इन्हें करना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये हमें फाइंड करना है, फिर जो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हुआ है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 768, तो ये 768 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ये यहाँ तक 2 से डिवाइड हो रहा था देन 3 से डिवाइड हो रहा था, तो ये मैंने 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब अगर मैं पेयरिंग करती हूँ तो ये जो 3 है ये पेयर में नहीं है, तो जो हमारा 3 था वो रिक्वायर्ड होल नंबर है जिससे हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ताकि हमें जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, तो न्यू स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमने जो है 768 में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 2304। अब नेक्स्ट हमें बोला था कि जो स्क्वायर नंबर न्यू ऑब्टेन हुआ उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक तो हमारी पैर बन रही थी तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट हम जो है 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्योंकि हमने 3 का मल्टीप्लाई करके 3 की भी पैर बना ली, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें कितना आ जाएगा, 48, तो 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 48। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 2028, तो ये मैंने 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है 3 की पेयर नहीं हो रही है, यहाँ तक ये जो है 2 से डिवाइड हो रहा था देन हमने 3 से करा, अब 3 से डिवाइड करने के बाद जो है ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था, 7 से भी नहीं हो रहा था, 11 से भी नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर था हमारा 13, तो हमने इसे 13 से डिवाइड कर दिया, 13 की पेयर बन गई, 2 की पेयर बन गई लेकिन 3 की पेयर नहीं बनी, तो जो 3 है हमारा होल नंबर है जिस का हम 2028 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे ताकि जो है हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, तो मल्टीप्लीकेशन करने पे 3 का 2028 में हमें क्या नंबर मिलेगा, 6084, तो जो हमारा न्यू स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा, 6084। अब हम 6084 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × 13 × 3, ये 2 और 13 की पैर हमने पहले ही बना ली थी, फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन करके 3 की पैर बना ली, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 13 × 3 यानी 78। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना के जो न्यू नंबर ऑब्टेन होगा उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, हमें कुछ नंबर्स दे रखे, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, तो हमें ये फाइंड करना है कि हम इन नंबर्स को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो हमें न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 1620, तो ये इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, यहाँ तक ये 2 से डिवाइड हो रहा था देन फिर हमने यहाँ से 3 से डिवाइड करा, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था देन हमने 5 से डिवाइड किया, तो 1620 का ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। पेयरिंग करने पे जो है 5 की पेयर नहीं है, तो जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड प्राइम नंबर है जिससे हमें इसे डिवाइड करना है वो कौन सा रहेगा, 5, तो यहाँ पे हमने 1620 को 5 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, 324। अब 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, क्योंकि 2
ये थ्री और ये थ्री की पेयर बन रही थी, और फाइव जो है हमने डिवाइड करके उसे हटा दिया, तो 324 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 18। अब नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है ताकि जो है नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट बने, उसके लिए प्रोसेस हमारी सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ इस टाइम पे हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर की पैर नहीं है उस नंबर को, और डिवीजन के टाइम पे हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर की पैर नहीं है उससे, तो हमें स्क्वायर रूट इस तरीके से न्यू नंबर का मिल जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 2800, तो ये इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। यहाँ तक हमने 2 से डिवाइड किया, फिर ये जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने 5 से डिवाइड किया, देन 5 से डिवाइड करने के बाद हमने 7 से डिवाइड किया, तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। तो इसमें जो है हमें 7 की पैर नहीं मिल रही है, तो जो है 7 हमारा रिक्वायर्ड नंबर रहेगा जिसका हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जो है हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो मैं 2800 का 7 से डिवाइड करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 400, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 यानी 20। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 2025 प्लांट्स जो है एक गार्डन में लगाने, तो जितनी नंबर ऑफ रोज में प्लांट्स लगेंगे उतनी ही एक रो में प्लांट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो में वो इक्वल होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2025 के, तो ये हमने 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, तो 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सब नंबर पे से जो है स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 × 5 मतलब 45, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो में कितने होंगे 45। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, हमें जो है ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो 8, 15 और 20 से तीनों से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले हम जो है फाइंड कर लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर जो 8, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो फाइंड करने के लिए हमें उसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, तो 8, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 मतलब 120। अब 120 में जो है इस 2 की पैर बन रही, बाकी ये 2, 3 और 5 की पैर नहीं बन रही, तो मैं 120 में 2, 3 और 5 की मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 3600। तो 3600 ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल है, ये जो है हमने 8, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लॉन्ग डिविजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 529, इसका हमें लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं 2-2 नंबर्स की, अगर लास्ट वाले नंबर के साथ पेयर नहीं होती तो हम 0 लगा देते हैं। अब हम देखते हैं 5-5 से नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 4, तो यहाँ पे हम 4 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और नेक्स्ट 4 के बाद तो हमारा 9 आता है, तो 9 जो है 5 से बड़ा रहेगा, तो हम छोटा नंबर लेंगे, छोटा नंबर आएगा हमारा 4, तो 4 जो है किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, देन यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो टोटल कितना हुआ 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे हमने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा 1। अब नेक्स्ट जो है हम पैर उतारेंगे 29 की, यहाँ पे जो है हम पैरिंग पे ही पूरा वर्क होता है, तो 29 की पैर हमने उतार दी। अब यहाँ पे जो है 2 का मल्टीप्लीकेशन हमने करा था, 2 × 2 करा था, तो प्लस 2 कर देंगे मतलब कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए कि कौन सा आएगा उसके लिए हम 4 के आगे नंबर लिखेंगे, अगर जैसे 4 के आगे मैं 1 लिख देती हूँ तो 41 हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही नंबर आएगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 41 × 1 हमारा 41 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 129। अब 42 × 2 करके देखते हैं, तो 42 × 2 आ जाएगा 84, लेकिन हमें चाहिए 129। अब मैंने 43 × 3 करा तो मुझे मिल गया 129, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी और यहाँ पे भी 3 लिख दूंगी और प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमें 46।
जो नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 2 प्लस करा था क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिखा था, यहाँ पे हमने 3 प्लस करा क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लिखा था। ये जो नंबर है ये इस नंबर का डबल होता है, तो यहाँ पे 46 जो है 23 का डबल है, मतलब हमने जो है लॉन्ग डिविजन सही करा है। अगर ये नंबर इस नंबर का डबल नहीं आ रहा, मतलब हमने कहीं ना कहीं लॉन्ग डिविजन मेथड में मिस्टेक करी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो फर्स्ट नंबर है लेफ्ट हैंड साइड से उसकी नियरेस्ट हमने स्क्वायर नंबर देख लिया, उसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर इस केस में 4 आ रहा था, तो 4 किसका मल्टीप्लीकेशन है 2 का, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर मैंने उसी में 2 प्लस करा। अब उसके बाद हमें 129 जो है 43 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करने पे मिल रहा था, तो यहाँ पे 4 के आगे 3 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया और प्लस 3 कर दिया, तो हमें मिल गया 46। अब नेक्स्ट मेरे पास एक डेसिमल वाला नंबर है, तो यहाँ पे मैंने इनकी पेयर और इसकी पेयर बना दी। अब 17 के नियरेस्ट जो है स्क्वायर नंबर कौन सा है, 16 है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर रूट है, तो 4 और 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 4 में 4 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 8। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब 64 हम नीचे उतार देंगे और ये वाला डेसिमल ऊपर लिख देंगे, तो नंबर क्या है हमारे पास, 164। अब 81 में मैं 1 का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो मुझे 81 मिलेगा। अब 82 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 164, और हमें चाहिए 164, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो और प्लस फिर से हम 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 84, मतलब ये वाला नंबर इसके डबल है। तो इस तरीके से जो है हम लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है हमारा स्क्वायर रूट, जैसे 529 का स्क्वायर रूट कितना था, 23, और 17.64 का स्क्वायर रूट था 4.2। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास, हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स का जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिविजन मेथड से। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 1369, तो हमने दोनों की पेयर बना ली दो दो नंबर की। अब 13 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारा, 9 है, 9 के बाद हमारा स्क्वायर नंबर आता है 16, तो 16 जो है हमारे 13 से बड़ा होगा तो हम 9 नेक्स्ट 9 जो है स्क्वायर नंबर लेंगे, तो 3 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे लिख दिया, सॉल्व करने पे 13 - 9 4 आएगा और ये 69 हमने नीचे लिख दिया। अब 3 + 3 6। अब नेक्स्ट जो है हमें देखना है कि हम 6 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें ताकि जो है हमें 469 मिले। अब 9 एंड में है हमारे, तो 9 एंड में या तो 3 का मल्टीप्लीकेशन करने पे आता है, 3 × 3 9 होता है, या 7 × 7 49 होता है, तो उस केस में लास्ट में 9 मिलता है, तो मैं यहाँ पे 7 रखूंगी, तो 67 का 7 में मल्टीप्लीकेशन करने पे मुझे जो है 469 मिल जाएगा, और 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस 7 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 74। अगर मैं 3 का करती यहाँ पे 63 × 3 लेती तो वो नंबर जो है 469 से छोटा होता, तो यहाँ पे जो है 1369 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 37। अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 4489। अब मैंने दो दो की पेयर्स बना ली। अब 44 के नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर है वो है 36, तो 36 का जो है 44 में से सब्ट्रैक्शन करने पे कितना मिल रहा है, 8, और ये 89 मैंने नीचे लिख दिया, 6 यहाँ पे लिख दिया, 6 यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 36 जो है 6 और 6 का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्लस 6 कर दिया तो मिल जाएगा 112। अब 12 के आगे जो है मैंने 7 लिख दिया और यहाँ पे भी 7, क्योंकि मैं 127 का 7 में मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मुझे मिलेगा 889 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 134, तो 4489 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 67। अब नेक्स्ट नंबर है 5776, तो दो दो की पेयर बना दी। अब 57 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 49, और वो किसका स्क्वायर नंबर है, 7 का, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 + 7 14। अब मैं 14 के आगे कौन सा नंबर लिखूँ और उसी का मल्टीप्लीकेशन करूँ ताकि हमें 876 मिले, तो वो नंबर आएगा 6। 6 यहाँ पे लिख दिया, 6 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो 6 146 में 6 का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 152, और यहाँ पे कौन सा नंबर मिल जाएगा हमें, 76,
तो 5776 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 76। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं तो हमें ये फाइंड करना है कि इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन करे। स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए, अगर एन डिजिट का मेरे पास स्क्वायर नंबर है, तो अगर एन इवन है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, वो है एन बाय टू। और अगर इवन नंबर होगा एन, तो उसके लिए फॉर्मूला है एन प्लस वन बाय टू। अब फर्स्ट नंबर में हमारे पास एन है फाइव, मतलब एक ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एन प्लस वन बाय टू यानी फाइव प्लस वन बाय टू मतलब सिक्स बाय टू यानी थ्री। अब नेक्स्ट नंबर है 390625, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है सिक्स, मतलब एन जो है एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में स्क्वायर रूट में कितने डिजिट है ये फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स बाय टू यानी थ्री। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट जो है, हमें डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 7.29, तो मैंने राइट हैंड साइड से दो दो नंबर्स की पेयर बना दी। यहाँ पे पेयर नहीं बन रही थी तो मैंने जीरो ऐड कर दिया। अब टू टू जा फोर होता है हमारा, तो सेवन में से फोर सबट्रैक्ट करेंगे थ्री, 29 नीचे आ जाएगा, टू प्लस टू फोर। अब मैं फोर में कौन सा नंबर ऐड करूं और उसी का मल्टीप्लीकेशन करूं ताकि मुझे 329 मिले, तो वो नंबर है सेवन। तो यहाँ पे सेवन लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल के बाद सेवन लिख दिया, तो मुझे मिल जाएगा 329। 329 में से 329 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, जीरो। और यहाँ पे प्लस सेवन करा तो 54, तो मतलब 7.29 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2.7। नेक्स्ट नंबर है 42.25, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 42 के नियरेस्ट जो है स्क्वायर नंबर कौन सा मिलेगा, 36। तो यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, 42 में से 36 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 6। और ये 25 नीचे उतार लिया। अब मैं 6 में 6 ऐड करूंगी तो 12 के आगे कौन सा नंबर लिखूं और वही नंबर मल्टीप्लाई करूं ताकि हमें 625 मिले, तो वो नंबर है 5। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 लिख दिया, और 5 ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 130, और 625 में से 625 सब्ट्रैक्ट करने पे 0। तो हमारा 42.25 का स्क्वायर रूट है 6.5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें सबसे पहले इन नंबर्स को जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, ऐसा नंबर फाइंड करके जो इन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पे उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाए, और जो न्यू नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है 825, तो मैंने 825 का जो है डिविजन करा, तो यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा 4, क्योंकि जो है 8 के नियरेस्ट हमारा स्क्वायर नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 में से 4 को क्या मिलेगा, 4, और 25 हम नीचे उतार लेंगे। अब 4 के आगे मैं 8 लगाऊंगी और 8 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी ताकि हमें 425 के नियरेस्ट नंबर मिल जाए, और 425 के नियरेस्ट नंबर कौन सा मिलेगा हमें, 384। अगर मैं 49 का 9 में मल्टीप्लीकेशन करती तो वो नंबर 425 से ग्रेटर हो जाना, तो इसीलिए मैंने 8 का मल्टीप्लीकेशन किया, और सॉल्व करने पे हमें रिमाइंडर कितना मिला, 41। तो 41 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जिसका हम 825 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमारा न्यू नंबर कौन सा हो जाएगा, 784। अब 784 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 28। अब नेक्स्ट नंबर है 3250, तो मैंने दो दो की पेयर बना ली सबसे पहले, और 32 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर 5 का एडिशन करने पे 10 मिला मुझे। अब 10 में मैं जो है 7 आगे ऐड करूंगी और 7 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी ताकि मुझे 750 से नियरेस्ट नंबर मिल जाए, तो 750 के नियरेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 749। अब 7 की जगह मैं 8 का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, 10 के आगे 8 लगाती तो नंबर 750 से ग्रेटर हो जाता, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 1। तो हमारा 1 जो है रिक्वायर्ड नंबर है जो हम 3250 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, और वो नंबर हमें मिलेगा 3249, और 3249 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 57।
अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें ये फाइंड करना है कि नंबर्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उस स्क्वायर नंबर का हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने 529 का जो है डिविजन मेथड से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 5 − 4 = 1, और ये 25 हमने नीचे लिख दिया, और 2 + 2 = 4। अब मैं 4 में जो है 2 ऐड करूंगी और 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी ताकि हमें जो है 125 के नियरेस्ट नंबर मिल जाए। तो 42 × 2 करने पे मिलेगा 84, और 125 का 84 में सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 41। तो जो हमें रिमाइंडर है वो कितना मिल रहा है, 41। इससे हमें ये पता चलता है कि 22 का जो स्क्वायर नंबर है वो 525 से छोटा है। अब 22 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 23, और 23 का स्क्वायर नंबर होगा 529। तो मैं ये 529 में से 525 सबट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 4। तो नेक्स्ट हमारा न्यू नंबर कौन सा है, 529। तो 4 हम ऐड करेंगे 525 में तो हमें नंबर मिल जाएगा 529। तो न्यू नंबर हो गया हमारा 529। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 का क्या आ जाएगा, 23। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर कोई नंबर हमें दे रखा है तो उसमें हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और इसी के लिए मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1825। तो इनकी मैंने पेयरिंग कर दी। अब 18 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 16, और 16 जो है 4 का स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, 4 + 4 = 8। अब 8 के आगे मैं क्या ऐड करूँ और 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे 2 to 5 का नियरेस्ट नंबर मिल जाए, तो वो नंबर है 2। तो 82 × 2 करने पे मुझे मिलेगा 164। अब 225 में से मैं 164 सबट्रैक्ट करूंगी तो कितना मिल जाएगा मुझे, 61। तो हम ये देख के ये बता सकते हैं कि जो 42 का स्क्वायर है वो 1825 से छोटा है। अब 42 के नेक्स्ट नंबर है हमारा 43, तो 43 का स्क्वायर आ जाएगा 1849। अब 1849 में से मैं 1285 सबट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 24। तो मुझे 1825 में 24 का एडिशन करना पड़ेगा ताकि मुझे न्यू नंबर मिल जाए। तो वो न्यू नंबर है 1849, और 1849 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 43। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। एक स्कूल में पीटी ड्रिल के लिए 500 चिल्ड्रन है, तो उन्हें ऐसे खड़े होना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहे। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस अरेंजमेंट से जो है कितने बच्चे लेफ्ट आउट रहेंगे। तो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन रो में x मान लिया, तो रो और कॉलम इक्वल है, तो कॉलम में भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, x। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हो जाएगा रोज इंटू कॉलम, मतलब x स्क्वायर, और x स्क्वायर जो है 500 के इक्वल है। अब x से हम स्क्वायर नंबर हटाएंगे तो 500 पे जो है स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 500 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करती हूँ तो 16। 500 में से मैं 16 सबट्रैक्ट करूंगी तो कितना मिल जाएगा, 484, और 484 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 22। तो 22 नंबर ऑफ रोज और कॉलम हो जाएंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे अरेंजमेंट से वो कितने, 16। और ये यहाँ पे मैंने 500 का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। सबसे पहले मेरे पास नंबर है 5, तो 2 × 2 = 4, क्योंकि 5 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 4 है, 5 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे 1, और ये 2 जीरोस जो है वो नीचे आ जाएंगे, 2 + 2 = 4। अब 4 के आगे मैंने 2 ऐड कर दिया और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया ताकि 100 के नियरेस्ट नंबर मिल जाए, और वो नंबर मिला हमें 84। अब 100 का 84 में से सबट्रैक्शन करने पर नंबर आया 16। तो 16 स्टूडेंट्स जो है वो इस अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट हो जाएंगे। अब ये था पूरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। कुछ पार्ट हमने इस वीडियो में देखा, कुछ पार्ट प्रीवियस वीडियो में देखा। प्रीवियस वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आई होप सो गाइज यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन मेंशन योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।